इसराइल ने गुरुवार को दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के एक फील्ड कमांडर को मार गिराया। इसराइली सेना यहां ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि वायुसेना के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन में एयर स्ट्राइक के दौरान हिजबुल्ला कमांडर की मौत हुई। वहीं लेबनान की तरफ से भी आज इसराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन दागे गए हैं। ये हमला इसराइल के मेतुला इलाके में हुआ है, जिसमें कई मोर्टार भी दागे गए हैं। इसराइल के मुताबिक इनमें से अधिकतर रॉकेट्स को नष्ट कर दिया गया है, और दूसरी तरफ इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में 25 गांव को खाली करने के लिए कहा। उसने लोगों को उत्तर की तरफ जाने की हिदायत।